हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमसे, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो एक है हमारे पास कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ उसका कितना है 15 सेंटीमीटर है, और इमेज कहाँ बन रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बन रहा है। तो अगर हम बात करें फोकल लेंथ, तो फॉर कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होता है हमारा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव पे -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव लेंस में वो किधर होता है, जिधर फोकल लेंथ होता है उधर ही हमारा इमेज भी फॉर्म होता है। तो इमेज पोजीशन जो हो जाएगा हमारा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव है। तो वी की वैल्यू कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट किधर रखें, ऑब्जेक्ट का पोजिशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला फॉर क्या होता है, लेंस के लिए हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। तो यहाँ पे 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/v -1/f। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1/10, एंड माइनस फोकल लेंथ की वैल्यू है -15, तो ये हो जाएगा -1/15। तो 1/u इज इक्वल टू हुआ हमारा यहाँ से -1/10 +1/15। अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा ये, 30। तो यहाँ से आएगा हमारा -3 +2, तो दैट विल बी -1/30। तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ से, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो भी किधर है, जिधर इमेज बन रहा है, जिधर फोकल लेंथ है हमारा, जिधर हमारा फोकस है उधर ही की साइड है हमारा ऑब्जेक्ट भी। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। पास में आ गया। अब हमसे बात कर रहा है कि इसका रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस बनाएंगे। तो कॉनकेव लेंस हमारा कुछ इस तरीके का होता है, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सेस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर। तो पहले तो यहाँ बना देते, दिस इज फोकस, दिस इज 2f। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा 30 सेंटीमीटर, मतलब ये 2f डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, क्योंकि फोकस जो है हमारा, फोकल लेंथ है हमारा 15 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है कुछ इस तरीके का। अब यहाँ से इंच चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से दो रे ऑफ लाइट निकालेंगे। हमने पहला निकाला जो पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस था और वो ऐसा इधर चला गया, तो वो कुछ फोकस से पास करता हुआ नजर आएगा। दूसरा हम लोग इसके पोल से पास करा देंगे कुछ इस तरीके से। तो इमेज जो हमारा बनेगा, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है हमारा, जहाँ पे दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आफ्टर रिफ्रेक्शन, दैट इज द इमेज, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है हमारा पोल से 30 सेंटीमीटर का। इस तरीके से हम लोग और ये डायग्राम भी बना दिया हम लोगों ने। ओके, थैंक यू, प्लीज़ गिव अ फीडबैक।